अब देखो बवासीर है, यहां से दबा लिया, खाली पेट कायाकल्प और अर्शोग्रीट, 10-20 साल पुरानी बवासीर। एक बार बवासीर हो जाती है तो जरा सी कोई गर्म चीज गई, जरा सा कोई खाने पीने में गड़बड़ हुआ, समय का ऊंचा नीचा हुआ। अब देखो बवासीर वाले को चौलाई का आटा भी खा लो गर्म पड़े, कुट्टू खा लो वो भी गर्म पड़े, बाजरा खाओ वो भी गर्म पड़े बवासीर वाले को। मिर्ची मसाला तो छोड़ो, बवासीर वाले को जिमीकंद खा लो वो गर्म पड़े, बैंगन खाओ तो गए काम से, लो पित्त बढ़ जाता है और फिर खून निकलता है, चीरे पड़ जाते, पायस फिसार फिस्टुला अंदर से सड़ जाता नीचे। ये पॉइंट दबा लो दोनों हाथों यहां से और दोनों पैरों में, टखने के नीचे यहां से दोनों पैरों में, ये टखने के नीचे और यहां से अंगूठे के नीचे। ये अंगूठा का इधर तो नीचे यही आएगा ना, इधर का नीचे यहां आएगा, सेम जगह यहां से। कायाकल्प और अर्शोग्रीट, और ये पित्त जब व्याधि है तो पित्त का प्रशमन करने वाली, देखो वात पित्त का तीन मूल रोग हैं, त्रिदोष मूल में, सब बीमारियों के त्रिदोष मूल में है। मैं बार बार मूल प्रकृति की बात करता हूं, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति। और आप देखना ये जो मैं दो शब्द बोल रहा हूं ना, इनका निहितार्थ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मैंने अभी 4-5 दिन पहले बोला था, आने वाले 10-20 सालों में पूरी दुनिया, भारत नहीं, पूरी दुनिया के बहुसंख्यक लोग, लगभग 80-90% लोग योग आयुर्वेद और सनातन धर्म को, इस मूल प्रकृति और मूल संस्कृति को फॉलो करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है जीवन जीने। धन वैभव दौलत अलग अलग हो सकती है, देश अलग अलग हो सकते हैं, शरीर को तो ठीक से चलाना है, जिंदगी को ठीक से सलीके से जीना है, सबको सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, शांति पानी है। द बेसिक डिजायर ऑफ ऑल सोल्स इज गुड हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ, फिजिकल मेंटल इमोशनल हेल्थ, पीस जॉय हैप्पीनेस, नॉट ओनली हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस वांट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एंड दिस रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल थ्रू योगा एंड स्पिरिचुअलिटी, देयर इज नो अनदर वे। ये देखो ये करो, चलो क्या है? अभी देखो जरा मूल प्रकृति, पित्त बढ़ने से बवासीर बढ़ता है, तो थोड़े दिन वीट ग्रास। अब 10 विकल्प हैं, एक एक चीज के 10-10 विकल्प बता रहा हूं, वीट ग्रास, एलोवेरा, सौंफ का पानी, जीरा धनिया सौंफ मिक्स करके ले लो, मुलैठी, जीरा धनिया सौंफ मुलैठी, गुलाब के फूल उनको डाल के उसका पानी पी लो, अथवा शीशम पीपल बेल या दूधी घास, गोंद कतीरा बहुत ठंडा होता है, ऐसा ठंडा होता है पूरा सारा उपद्रव ज्वालामुखी की तरह भी तुम फट रहे हो ठीक, काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पुष्टि, आविपत्ति कर चूर्ण मुक्ता शक्ति मिला करके ले लो एक एक चम्मच, लौकी तोरई सब हरी सब्जियां, ये सब पित्त शामक होती है। जो जो का पानी पियो, जो का दलिया, जो का दलिया दूध में लेना चाहिए जिनको पित्त का रोग है, और ये साहब इतना जो, और ये ओट्स, जो जई, ये भाई बहन है एक ही फैमिली है, जो और जई, जो पहले डांगरों को खिलाया करते थे, आजकल आदमी खाते हैं उसको बहुत महंगा उसके लिए पेमेंट करते कर लो ये बवासीर के लिए बात है।
पित्त के प्रशमन के लिए। और पित्त का प्रशमन करना है तो पानी पूरी मात्रा में पियो, पानी गर्मी भी है तो थोड़ा ही गुनगुना लेना। और जीरा धनिया मेथी सौंफ, जीरा धनिया सौंफ मुलेठी और गुलाब की पंखुड़ी, एलोवेरा सबको मिल जाते। वीटग्रास भी सर्दियों में घरों में लगा सकते हैं आप, नवरात्र में अभी से उगाओ, फिर नौ गमले बना के रख लो, उसमें नौ दिन बोते रहना, नौ नौ दिन में अपने आप ही होता रहेगा। और पहले वाला काटते रहो नया बोते रहो, पहले वाला काटते रहो नया बोते रहो, बस संजीवनी है वो सारा पित्त का प्रशमन।